गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th SST का, वो चल रहा है केंद्र सरकार का। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी लोकसभा के कार्य, शक्तियाँ और अधिकार के बारे में। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आज राज्यसभा के जो कार्य और शक्तियाँ हैं उनके बारे में। राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ हैं, उनमें जो पहला बिंदु था उसका हम अध्ययन है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और आज हम आगे जो बिंदु आगे के हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है दूसरा, वो है संविधान संशोधन की शक्ति। जिस प्रकार लोकसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक इसी प्रकार राज्यसभा को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा है उसी प्रकार राज्यसभा संविधान में संशोधन है वो किस प्रकार से कर सकती है, किस प्रकार से उसका महत्व रहता है। सबसे पहले बात आती है संविधान संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त। संविधान में संशोधन करने जो शक्ति है वो राज्यसभा को लोकसभा के समान ही प्राप्त है। यानी किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति आवश्यक है, और दोनों की सहमति के बिना है वह संशोधन है वो संविधान में नहीं किया जा सकता। और हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे बात आती है दोनों सदनों की सहमति पर संविधान में परिवर्तन या संशोधन। किसी विषय या किसी बिल या संशोधन करना हो तो अगर लोकसभा सहमति दे देती है और राज्यसभा अपनी सहमति नहीं देती है तो वो बिल या विधेयक वो कानून का रूप नहीं ले पाता। और मान लो कि राज्यसभा ने सहमति दे दी और लोकसभा ने उसके ऊपर सहमति नहीं दी तो वो बिल या विधेयक वो कानून का रूप नहीं ले पाता। तो इसलिए आवश्यक है कि कोई भी बिल या विधेयक जिसको कानून बनाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी क्या है कि उस पर अपनी सहमति दे। और अगर कोई परिवर्तन करना है संविधान में तो भी आवश्यक है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की सहमति है, अनुमति है, मिलना आवश्यक है। उसके बाद में ही क्या है संविधान में संशोधन है वो किया जा सकता है। आगे बात आती है वित्तीय शक्ति। हमने बात की थी लोकसभा में भी क्या कि लोकसभा में भी वित्तीय शक्तियां है वो लोकसभा को प्राप्त है, और इसी प्रकार राज्यसभा को भी क्या है कि संविधान के द्वारा वित्तीय शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। तो वित्तीय शक्तियाँ किस प्रकार से राज्यसभा है वो इसको मेंटेन करती है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली। हम बात करें संसद के सदनों की यानी राज्यसभा और लोकसभा की, तो ध्यान रखना कि लोकसभा की तुलना में जो राज्यसभा है वो कम शक्तिशाली है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्यसभा कम शक्तिशाली है और लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, और दोनों में तुलना करें तो काफ़ी कुछ अंतर है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो दोनों सदनों में से अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है लोकसभा, और कम शक्तिशाली जो सदन है वो कौन सा है राज्यसभा। धन विधेयक पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। हमने बात की थी कि धन विधेयक है ये निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और जब अध्यक्ष है ये फैसला कर देता है कि धन विधेयक है तो धन विधेयक का वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि धन विधेयक है पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो फिर धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजे जाएंगे। अब बात यहां स्पष्ट होती है
कि धन विधेयक है वो कहां प्रस्तुत है, सबसे पहले लोकसभा में, और लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद है उस विधेयक को कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। यहां दो तीन बातें क्लियर है। पहली बात है धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी बात है धन विधेयक है वो कहां प्रस्तुत किए जाएंगे, लोकसभा में। तीसरी बात है कि लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में धन विधेयक को कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक पर विचार कर सकती है। राज्यसभा को जिस दिन से विधेयक भेजा गया है, लोकसभा के द्वारा जिस दिन से राज्यसभा में विधेयक भेजा गया है, उस दिन से लेकर 14 दिन तक का समय होता है। इन 14 दिन के समय में राज्यसभा को उस विधेयक पर विचार करना होता है, और 14 दिन के बाद में राज्यसभा को, या 14 दिन के भीतर राज्यसभा को विधेयक है वापस से लोकसभा में लौटाना होता है, यानी वापस से भेजना होता है। बात आती है राज्यसभा धन विधेयक पर लोकसभा को सुझाव दे सकती है। यहाँ एक प्रमुख बात आती है राज्यसभा की कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया, और राज्यसभा उस पर क्या है कि 14 दिन तक विचार विधेयक पर कर सकती है, बिल पर विचार कर सकती है। लेकिन राज्यसभा के पास ये प्रमुख अधिकार भी है कि वो लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में अपने विचार है, अपने जो सुझाव है वो प्रस्तुत कर सकती है। तो वित्तीय शक्ति में पहली बात आई कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में क्या है, कम शक्तिशाली है। दूसरी बात है धन विधेयक है वो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होंगे। आगे बात आती है कि धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में और उसके बाद कहाँ भेजे जाएंगे, राज्यसभा में भेजे जाएंगे। राज्यसभा है वो 14 दिन तक के समय में उस पर विचार कर सकती है, और उसके बाद विचार करने के बाद में उसको लोकसभा को वापस उसको लौटाना होगा, भेजना पड़ेगा। और राज्यसभा है उसके पास एक प्रमुख अधिकार है कि वो धन विधेयक के संबंध में किसको अपना सुझाव दे सकती है, लोकसभा को अपना सुझाव है, अपने विचार है वो दे सकती है। आगे बात आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन सी है, ये शक्तियाँ है वो लोकसभा को मिली हुई है, लेकिन इनमें जो शक्ति के आधार पे तुलना हम कर रहे हैं कि किसके पास कौन सा अधिकार अधिक है, किसके पास कौन सा अधिकार नहीं है या कम है, तो बात आती है मंत्रिपरिषद है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जबकि हमने लोकसभा का जब अध्ययन किया था तो हमने बात की थी कि जो मंत्रिपरिषद है या जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात आती है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जो मंत्री हैं उनसे किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या पूर्व में उनके द्वारा जो विषय लाए गए थे उनसे संबंधित विचार रखे गए थे, उस विचार का क्या हुआ, कैसे निर्णय किया गया, उसके संबंध में राज्यसभा के सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को दिया गया मंत्रियों के संबंध में। आगे बात आती है राज्यसभा अविश्वास के आधार पर मंत्रियों को हटा नहीं सकती। अब यहाँ प्रमुख बात यह आती है कि राज्यसभा है उनको मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। किस आधार पे, अविश्वास के आधार पे, यानी अगर विश्वास समाप्त हो जाता है तो भी क्या है कि जो राज्यसभा है वो मंत्रियों को हटा नहीं सकती। जबकि लोकसभा के पास ये अधिकार है कि प्रमुखतः वो मंत्रियों को प्रमुखतः अविश्वास के आधार पे हटा सकती है, ये प्रमुखतः उसको अधिकार दिया गया है। आगे बात आती है राज्यसभा की विविध शक्तियों की, यानी और कौन कौन सी शक्तियां हैं वो राज्यसभा को मिली हुई है। तो विविध शक्तियों में सबसे पहले बात आती है निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब जिस प्रकार हमने लोकसभा में बात की थी, लोकसभा के सदस्य हैं वो किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, कौन से सदस्य भाग नहीं ले सकते, इसी प्रकार राज्यसभा को भी ये शक्तियां प्राप्त है निर्वाचन से संबंधित। सबसे पहले बात आती है कि निर्वाचित सदस्य हैं
वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना कि जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में? 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बात आती है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों भाग लेते हैं। जबकि हम बात करें राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अवसर है वो राष्ट्रपति चुनाव में नहीं मिलता, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्यों को निर्वाचन में भाग लेना उपराष्ट्रपति के संबंध में अधिकार प्राप्त है। आगे बात आती है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा भी लगा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति है, उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भी संसद के दोनों सदनों को मिला हुआ है। अर्थात जो संसद के सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन हैं, ये मिलकर राष्ट्रपति के ऊपर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। ये प्रक्रिया प्रमुख रूप से क्यों प्रारंभ की जाती है? अविश्वास के आधार पर किसी को लाभ पहुंचाने के कारण, या कोई ऐसी स्थिति या अयोग्यता बाद में उत्पन्न होने के कारण, या प्रमुख रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण है, वो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और दोनों सदन मिलकर क्या करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, ये लगाई जा सकती है। आगे बात आती है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रथम प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत। अब बात आती है कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय है, उसको हटाने का प्रस्ताव तो क्या है कि कहीं भी प्रस्तुत दोनों सदनों में से कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, तो जब लोकसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होगा तो उसको पहले प्रस्तुत कहां किया जाएगा? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, पहले प्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। ये विशेष अधिकार राज्यसभा का रहता है। आगे बात आती है, आपातकाल 1 माह से अधिक लागू रखना हो तो दोनों सदनों की अलग अलग स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, तो 1 माह के समय में जो आपातकाल है अगर उसको और आगे बढ़ाना है तो संसद के सदनों की अनुमति लेनी होगी, और संसद के सदनों की अनुमति लेने के बाद ही क्या है कि आपातकाल को और अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। आगे बात आती है विशेष अधिकार की। राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार भी है जिसका वर्णन हम दो अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रमुखता देखने को मिलता है। पहली बात आती है अनुच्छेद 249 के अनुसार, ध्यान रखना अनुच्छेद 249 के अनुसार कुछ विशेष अधिकार है वो राज्यसभा को दिए गए हैं। सबसे पहले बात आती है, 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के पास ये विशेष अधिकार है कि वो राज्यसभा के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, यानी देश के महत्व का घोषित कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। यानी राज्यसभा के जो विषय हैं उनमें से किसी जो प्रमुख विषय लगता है, जो उचित विषय लगता है, उसको राज्यसभा है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अब बात आती है, जब राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित हो गया, देश के महत्व का विषय घोषित हो गया, तो उस पर कानून कौन बनाएगी? तो ध्यान रखना, उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। जब वो विषय राज्य सूची से निकल कर राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है तो उस पर बाद में राज्य सरकार कानून न बना के प्रमुखता देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो उस पर कानून बनाती है। किस पे कानून बनाती है? जो विषय राज्य के महत्व से राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? बाद में संघ सूची के तहत जो सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसको भी कानून बनाने का अधिकार है, वो इसमें मिल जाता है। आगे बात आती है अनुच्छेद 312 के अनुसार, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित कर सकती है। राज्यसभा है
वो अनुच्छेद 312 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 312 के अनुसार दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनको स्थापित कर सकती है और देश के विकास में, देश की सुरक्षा में और देश को विभिन्न प्रकार के असामाजिक तत्वों में बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं।